नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बोध। साथियों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ऑनलाइन बाबा से, यानी कि एक बाबा ऑनलाइन फेसबुक पर बैठा था, वो लोगों की भविष्यवाणी कर रहा था, उनके ग्रह नक्षत्रों के बारे में बता रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने नक्षत्रों के बारे में इससे पूछ लूँ। तो मैंने अपनी भविष्यवाणी उससे करवाना चाहा और उसके बाद में जो डिटेल्स वो मांग रहा था तो वो डिटेल्स मैंने उसको दी। डिटेल्स में नाम, जन्म तिथि और जन्म तिथि का टाइम उसने पूछा। और जब मैंने उसको ये सारी चीज़ें बताई तो सबसे पहले आप इस बाबा की भविष्यवाणी को सुनिए कि इस बाबा ने मेरे नाम को लेकर के क्या भविष्यवाणी की है मेरे बारे में। तो आप स्क्रीन को घुमा करके इस वीडियो को देखिए। प्रशांत बोध, 16/2/1999, सुबह 9 बजे, गाजियाबाद। सर, जॉब तक कब तक लग पाएगी? नौकरी आपका कब तक लग पाएगी? गुरु आपका लग्न में बैठा, लेकिन शनि की 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है। ऐसे में क्या होता है कि कई बार हमारी खुद की शिक्षा हमारे काम नहीं आती है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर। शनि की 7.5 में काम बहुत मुश्किल से होते हैं और अभी आपके ऊपर शुरू हुई है। वैसे आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। अगर अगले साल दिसंबर 2021 से पहले आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद योग नहीं है, 1-1.5 साल अभी आपके पास है। आप कोशिश करो सर, मेरी आपको शुभकामनाएं जी। तो सुन ली आप लोगों ने इसकी बातें। अब इसकी बातों को सुनकर मेरा रिएक्शन बड़ा अजीब सा था। मैंने कहा यार क्या बोल रहा है ये। अभी ये कह रहा है कि मेरे पे जो है शनि की बड़ी वो चल रही है घटना, मतलब जो भी इनके ग्रह नक्षत्रों की बातें हैं कि मेरे पे बड़ा भारी चल रहा है। और गवर्नमेंट जॉब जो है, मेरी थोड़ी सी ये गलती हो गई कि मैंने जॉब के बारे में पूछ लिया, मुझे पैसे के बारे में पूछना था। तो उसने मुझे कहा कि आपकी जो जॉब है गवर्नमेंट जॉब, वो उसके मतलब है तो लक्षण भारी, लेकिन 2021 तक संभावनाएं हैं कि 2021 तक आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी और 2021 के बाद में भैया बड़ा मुश्किल है आपकी नौकरी लग पाना, आपकी नौकरी नहीं लग पाएगी। अब देखिए बात क्या है कि अब से पिछले 3 साल से मेरा जो मेरी थ्योरी है या जो मैं चाहता हूँ, मैं यही मेरा सोच था कि मैं ना तो गवर्नमेंट ना प्राइवेट सेक्टर, मैं दोनों में ना किसी में भी जॉब नहीं करूँगा। मैं अपना खुद का काम करूँगा, कोई बिजनेस करूँगा, कोई व्यापार करूँगा, या मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं जॉब नहीं करूँगा। ये मेरी अब से पिछले 3 साल से फिलॉसफी है। वो क्यों है वो उसका एक अलग रीज़न है, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैंने किसी भी गवर्नमेंट जॉब की ना तो प्रिपरेशन की है, ना किसी भी गवर्नमेंट जॉब का मैंने कोई एग्ज़ाम दिया है। अब जब ये सारी चीज़ है तो मेरे नक्षत्रों में ये गवर्नमेंट जॉब कहाँ से आ गई? मतलब भगवान बड़े अजीब रचना रच रहे हैं। जो गवर्नमेंट जॉब इंसान चाहता नहीं है, उसके नक्षत्रों में, उसके ग्रह में भगवान ने सरकारी नौकरी का लोभ, पता नहीं क्या शब्द बोला उसने, वो डाला हुआ है। और जो बेचारे लोग तड़प रहे हैं सरकारी नौकरी लेने के लिए, प्राइवेट नौकरी लेने के लिए, उन लोगों को उनके उनके ग्रहों में जॉब का लोभ, यार मुझे शब्द वो याद नहीं आ रहा, योग योग योग, उनके नक्षत्रों में जॉब का योग ही नहीं है। तो भगवान बड़ी आपकी असमंजस है। अब देखिए इन लोगों से प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं, यानी कि प्रशांत बोध, अगर वास्तविकता में किसी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा होता और मैं लगातार एग्जाम दे रहा होता, तो इन जैसे लोगों की वजह से प्रॉब्लम क्या है? क्यों हम इन लोगों को एक्सपोज करते रहते हैं, या क्यों इन लोगों की जो सच्चाई होती है वो आप लोगों तक बताते रहते हैं? वो इसीलिए, अगर मैं वास्तव में जॉब की तैयारी कर रहा होता, 2 साल से मान लिया मैंने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने वो दिया फॉर्म भरा, लेकिन 2 साल से किसी कारण मेरा जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाया, चाहे वो सीट फुल हो गई हो, चाहे मेरे मार्क्स कम रह गए हों, किसी वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। अब लेकिन इस बाबा ने मेरी भविष्यवाणी कर दी है, इस बाबा ने मेरे दिमाग में एक बात डाल दी है कि 2021 तक का ही आपके जीवन में योग है और उसके बाद अगर आप प्रयास करेंगे तो फिर भैया जॉब नहीं मिल पाएगी। तो मैं एक स्टूडेंट, अगर मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, तो क्या मैं 2021 के बाद में उस एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा? क्या मैं उस जॉब के लिए भागूंगा जो जॉब मुझे चाहिए? बिल्कुल नहीं भागूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं पिछले 2 साल से लगातार तैयारी कर रहा था, एग्जाम दे रहा था, मेरा तब नहीं हो पाया, और उसके बाद में 2021 के बाद में तो बाबा ने भी मना कर दिया, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा?
कि मेरे योग में जॉब है ही नहीं, इसलिए मुझे तैयारी करना बेकार है। मैं आपको बता दूं, मेरे ही पड़ोसी की 4 साल में उसको जॉब मिली, 4 साल में। अगर वो भी इस बाबा की बात को सुन लेता तो वो क्या 5वीं साल तक तैयारी करता? 5वीं बार में उसका सिलेक्शन हुआ है। तो इसीलिए हम इन लोगों का जो बातें हैं वो आप लोगों को बताते और समझाते रहते हैं कि ये सिर्फ खामोखा के वहम फैलाते हैं। एक चीज और है, जो एस्ट्रोलॉजी है वो एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बड़ा फील्ड है अब, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी सीमित दायरों तक है। वो मौसम विभाग के लिए जो लोग गणना करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई 10 दिन बाद बारिश आएगी, या ये हो सकता है या वो हो सकता है, तो वो भी एक तरह से एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन वो फैक्ट्स, पास्ट रिकॉर्ड और डेटाबेस के आधार पर उसकी गणना की जाती है। एक अनुमान लगाया जाता है कि इस तरीके से, इन सब चीजों की वजह से ये इस समय पर हो सकता है कि 10 दिन से लगातार ऐसा मौसम चलता आ रहा है तो उस समय पर ये हो सकता है। वो एस्ट्रोलॉजी कोई वो नहीं होती है कि दिमाग में कोई भगवान आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई 10 दिन बाद बारिश पड़ेगी तो तुम जो है न्यूज में बता दो कि 10 दिन बाद बारिश होगी। तो एस्ट्रोलॉजी वो चीजें हैं कि डेटाबेस के अकॉर्डिंग उस चीज के कैलकुलेशन करके एक अनुमान लगाया जाता है। और ये एस्ट्रोलॉजर क्या कर रहे हैं, ये फेसबुक पर बैठकर मेरा क्या ले रहे हैं, सिर्फ नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ और मेरा जो वो है समय कि मैं किस समय पैदा हुआ था और मेरी क्या प्रॉब्लम है। ये लोग इसी डेटाबेस से वो कर ले रहे हैं एस्ट्रोलॉजी। अरे तो भैया तुम यहाँ काहे बैठे हो भाई, हैं? तुम फेसबुक पर बैठकर इतना अनमोल, इतना कीमती ज्ञान बांट रहे हो। अबे सालो जाओ वहां साइंटिस्ट के पास बैठो, कुछ देश का भला करो, जाओ जाके इस देश के बॉर्डर पर बैठो, वहां जाके उन सैनिकों की एस्ट्रोलॉजी बताओ कि भैया 4 दिन में या 5 दिन में पाकिस्तान इस तरीके से, इस मजबूती के साथ में हमला करेगा, तुम अपने आप को उससे ज्यादा प्रिपेयर कर लो। तो ऐसे लोगों की बातें को इग्नोर करें और ऐसे लोगों को भी इग्नोर करें। वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ में घंटी का बटन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले टाइम की हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके।